सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेक्सागोन क्वेश्चन की बात करें, ए बी दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करते हैं, वो बांटते हैं इक्वल। तो ए और बी क्या है, पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग क्या है उनकी, 1:1। ये क्या करते हैं, रेगुलरली ड्रॉ करते हैं 4000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ये कब एंड होता है, 30 सितंबर 2013। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम से। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एवरेज पीरियड इंटरेस्ट मेथड, कि एवरेज बेसिस पे हमने इंटरेस्ट काउंट करना है अगर कोई ड्रॉइंग करता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये मेथड तब अप्लाई होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कहता है आप बार बार सेम अमाउंट ड्रॉइंग करोगे, जैसे हर बार आप 10,000 ड्रॉइंग करोगे, जितनी बार भी ड्रॉइंग करोगे, हर बार जितनी भी आपकी ड्रॉइंग होगी वो सेम अमाउंट की होगी। नेक्स्ट कहता है सेम डेट को निकालोगे, अगर 1 जनवरी को निकालते हो, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, अप्रैल को, मतलब फर्स्ट ही डेट को निकालोगे, 15 जनवरी को निकालते हो, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, ऐसे ही 31 जनवरी को, 28, 29 जो फरवरी है, मार्च को, ऐसे ही आपने लास्ट में निकालना है, या तो स्टार्टिंग में निकालो या मिड में या एंड में, मतलब सेम डेट में निकालने हैं और सेम अमाउंट निकालना है। तो वहां पर कौन सा मेथड अप्लाई होता है, एवरेज पीरियड इंटरेस्ट मेथड। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, सेम अमाउंट निकलना चाहिए और सेम ही डे निकल जो ड्रॉइंग है वो की जानी चाहिए। तो इसके लिए हम पीरियड निकालने के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ईयर में, ठीक है। अगर आप पूरे साल निकालते हो, ठीक है ना, और वो कैसे निकालते हो, आप मंथली बेसिस में निकालते हो। कैसे निकालते हो, मंथली बेसिस पे, मतलब 12 महीने निकालोगे, ठीक है ना, और वो कैसे निकालोगे, पूरे 12 साल निकालोगे, और वो कैसे, आप या तो बिगनिंग में निकालोगे 1 तारीख को, या कब निकालोगे 15 तारीख को, मतलब मिड में निकालोगे, या कब निकालोगे आप एंड में निकालोगे 31 मार्च, 31 तारीख को निकालोगे हर महीने की 31st, या 30 या 28, 28 या 29 जो भी डेट लास्ट बनती है, और पूरे ईयर निकालते हो, पूरे साल निकालते हो। इसके लिए एक मेथड होता है एवरेज पीरियड निकालने के लिए, कि भाई ये हमारे पूरे 12 मंथ है, ठीक है ना, ये हमने काउंट कर लिए, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे 12 मंथ, ठीक है ना, ये लाइन लगा दी, ये क्या है 1 अप्रैल, ठीक है ना, ये क्या डाल दिया हमने 1 अप्रैल, ठीक है, ये क्या डाल दिया 4th है, ये क्या हो जाएगा 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th, 1st 2nd और ये 3rd, ठीक है, ये 4th, ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये पूरे 12 महीने हो गए। तो फर्स्ट अगर हमने बिगनिंग में निकालना है तो हमने देखना है कि फर्स्ट जब हम ड्राइंग करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग करेंगे तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रहता है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रहता है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और प्लस क्या होएगा कि लास्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, के लास्ट ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचेगा, डिवाइड किससे कर दो 2 से। जैसे हमने 1 तारीख को 1 अप्रैल में निकाल लिया तो इसके बाद कितने मंथ बचे हमारे पास, पूरे 12 मंथ बचे हुए हैं। तो यहां पर अगर हम बिगनिंग में निकालते हैं हर महीने की, तो फर्स्ट बार जब हम इंस्टॉलमेंट या ड्रॉइंग करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कितने मंथ बचेंगे, 12 मंथ बचेंगे, प्लस जब हम लास्ट टाइम निकाल लेंगे तो लास्ट टाइम कब निकाल लेंगे हम, मार्च में निकाल लेंगे, और वो कब निकाल लेंगे 1 मार्च को, तो हमारे पास पूरा मंथ मार्च बच जाएगा ना, तो ये 1 मंथ बच जाएगा, डिवाइड किससे कर दो इसको 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 6.5 मंथ हमारा जो आंसर हो जाएगा अगर बिगनिंग में निकालते हैं। नेक्स्ट कहता है अगर हम मिड में निकालते हैं तो फर्स्ट ड्रॉइंग जब करेंगे, फर्स्ट ड्रॉइंग कब करेंगे, मिड में, कब
मार्च के, मार्च नहीं, स्टार्टिंग कब होएगा हमारा, अप्रैल में, अप्रैल के मिड में। तो उसके बाद हमारे पास कितने मंथ बच जाएंगे, 11.5 मंथ, क्योंकि जो 15 दिन है वो तो अप्रैल के खत्म हो जाएंगे, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास 31 मार्च तक, 11.5 मंथ। प्लस क्या करेंगे अब हम, लास्ट टाइम कब ड्रॉइंग करेंगे, लास्ट टाइम हम ड्रॉइंग करेंगे मार्च के मिड में, तो तब कितने बचेंगे, 15 दिन बचेंगे मार्च के, तो 0.5 किसके बच जाएंगे हमारे पास, मार्च के बच जाएंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो ये कितने हो जाते हैं, 11 प्लस 1 11.5 प्लस 1 12, 12 डिवाइड बाय 2 कितने हो जाते हैं, ये 6 आ जाते हैं। तो 6 मंथ लेंगे अगर हम कब निकाल लेंगे, मिड में। अगर हम एंड में निकाल लेंगे, मंथली निकालते हैं एंड में, तो कब निकाल लेंगे हम, मार्च के, अप्रैल के एंड में निकाल लेंगे। तो यहां पर हमारे पास कितने मंथ बचते हैं, 11 मंथ बचते हैं, ठीक है ना। और प्लस जब हम लास्ट टाइम निकाल लेंगे, लास्ट टाइम कब निकाल लेंगे, ये मार्च के एंड में निकाल लेंगे, तो इसके बाद तो हमारे पास कोई मंथ नहीं बचेगा, 0 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5.5 मंथ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, अगर आप मंथली निकालते हो पूरे साल के लिए, तो आपके अगर आप बिगिनिंग में निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 मंथ। अगर आप कब निकालोगे, मिड में निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मंथ। अगर आप एंड में निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 मंथ, ठीक है ना। तो आपने ऐसे देख के चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप क्या निकालते हो, क्वार्टरली निकालते हो, मतलब क्वार्टर कितने होते हैं एक साल में, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो पूरे साल के अंदर कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे। तो यहां पर आप कब निकाल रहे हो आप, या तो बिगनिंग में निकाल लोगे, या आप कब निकालोगे, मिड में या एंड में। अगर आप बिगनिंग में निकालते हो, या आप मिड में निकालते हो, या आप कब निकालते हो, एंड में निकालते हो, तो कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा पूरा साल है, ठीक है ना। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आ गए हमारे पास 4 पार्ट, ठीक है। ये 3 महीने का ये है, 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 तो 12 मंथ, ठीक है ना। कहता है साल में आप क्वार्टरली निकालते हो, हर 3 महीने बाद निकालते हो, बिगनिंग में निकाल लिया, इस क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल लिया, तो कितने मंथ बचे हुए हैं, पूरे 12 मंथ बचे हुए हैं। तो कितने बचे हुए हैं, पूरे 12 मंथ। प्लस अगर लास्ट वाले के बिगनिंग में निकाल लोगे तो कितने मंथ बचे हुए हैं, 3। 12 प्लस 3 डिवाइड किससे करोगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7.5 मंथ, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लियर है। सेकंड कहता है अगर आप कब निकालते हो, मिड में निकालते हो। अगर आप मिड में निकाल लोगे तो यहां निकाल लोगे, तो 3 महीने का अगर हम बात करें क्वार्टर है, तो 1.5 महीना चला गया, तो कितने बच गए आपके पास, 10.5 मंथ, ठीक है ना, 10.5 मंथ। अगर लास्ट टाइम निकाल लोगे तो ये भी मिड में निकाल लोगे, तो उसके बाद कितने बचे आपके पास, 1.5 मंथ, ठीक है ना। क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर था, तो आपने मिड में निकाला तो 1.5 महीना बच गया, डिवाइड किससे करोगे, 2 से, तो 10 प्लस तो 12, तो 12 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मंथ आपका आंसर आ जाएगा। अगर एंड में निकाल लोगे, इसके एंड में निकाल रहे हो तो कितने महीने बच गए, 9 महीने बच गए, तो ये 9 मंथ। प्लस इसके एंड में निकाल रहे हो तो 0 है, तो डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 4.5 मंथ, ठीक है ना। तो अगर आप क्वार्टर नहीं निकालते हो, बिगनिंग में निकालते हो, तो कितना आंसर आएगा, 7.5 मंथ, ठीक है। अगर आप किस में निकालते हो, मिड में निकालते हो, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 6 मंथ। अगर आप कब निकालते हो, एंड में निकालते हो, तो कितना आंसर आएगा, 4.5 मंथ, ठीक है ना। तो आपने ये समझ लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप किस में निकालते हो, हाफ ईयर निकालते हो, हाफ ईयर में निकालते हो, ठीक है ना, 6 महीने के लिए निकालते हो। निकालते कैसे हो आप, मंथली निकालते हो, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे, या तो मिड में निकालोगे, या तो बिगनिंग में, या किस में, मिड में, या किस में, एंड में, ठीक है ना। आप 6 महीने के लिए निकाल लो, तो 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है ना। तो यहां से 1 से लेके हम 6 तक, ये 6 महीने के निकाल लेंगे। अगर हम कब निकाल लेंगे, बिगनिंग में निकाल लिया, तो कितने महीने बच गए, 6 महीने बच गए, 6 प्लस। अब बात करें, अगर आप इसके भी बिगनिंग में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1, 7 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 3.5 मंथ, ठीक है ना, अगर आप 6 महीने के लिए निकालते हो। अगर मिड में निकाल लोगे, फर्स्ट के मिड में निकाल लोगे, तो कितना बच जाएगा, 5.5
5 मंथ, ठीक है ना। और इसके साथ प्लस करोगे जब लास्ट में निकालोगे तो कितने रहेंगे, ये 15 दिन रहेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से, 5.5 + 1 = 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, 3 मंथ। नेक्स्ट अगर आप एंड में निकाल लोगे, तो एंड में निकालोगे तो फर्स्ट के एंड में निकालोगे तो कितने मंथ बच गए, ये 5 मंथ बच गए। प्लस क्या करोगे, लास्ट के एंड में निकालोगे तो कोई मंथ नहीं बचेगा, डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2.5 मंथ, ठीक है ना। अगर आप किस में निकाल रहे हो, साल में ना निकाल के आप 6 महीने में निकाल रहे हो, और वो भी मंथली निकाल रहे हो, तो अगर आप बिगिनिंग में निकाल लोगे तो कितना आएगा, 3.5 मंथ, ठीक है ना। अगर आप कब निकाल लोगे, मिड में निकाल लोगे तो कितना आंसर आएगा, 3 मंथ। अगर आप एंड में निकाल लोगे तो आंसर कितना आएगा, 2.5 मंथ, ठीक है ना। तो ये आपने कंसीडर कर लेना है। नेक्स्ट अगर आप क्या निकाल रहे हो, हाफ ईयरली निकाल रहे हो, और वो भी पूरे साल में, ठीक है ना। तो या तो आप कब निकाल रहे हो, बिगनिंग में निकाल रहे हो, या मिड में निकाल रहे हो, या किस में निकाल रहे हो आप, एंड में निकाल रहे हो। तो इसको आप कितने पार्टों में डिवाइड कर लो, 2 पार्टों में, क्योंकि हाफ हाफ ईयर निकाल रहे हो, 6 महीने यहाँ हो जाएंगे, 6 महीने यहाँ हो जाएंगे। अगर आप बिगनिंग में निकाल रहे हो तो कितने हैं, पूरे 12 महीने हैं, ठीक है। और इसके भी 6 महीने बच जाएंगे जब आप बिगनिंग में निकाल लोगे, तो ये 6 मंथ, 6, 12 और 6, 18 डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 9 मंथ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसमें निकाल रहे हो, हाफ ईयरली और स्टार्टिंग में निकालते हो पूरे साल के लिए, ठीक है। 6 महीने बाद 2 किस्तें निकलेंगी यहाँ पर, 12 और 6, 18 डिवाइड करोगे 2 से। नेक्स्ट कहता है अगर आप मिड में निकालते हो तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 महीने ये और 6 महीने ये, तो 9 मंथ हो जाएगा। प्लस इसके मिड में निकालोगे तो 3 डिवाइड करोगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 3, 12 डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर एंड में निकाल लोगे, इसके एंड में निकाल लोगे तो कितने मंथ बचेंगे, ये 6 मंथ बचेंगे। प्लस इसके एंड में निकालोगे तो कुछ बचेगा नहीं, डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 3 मंथ, ठीक है ना। अगर आप हाफ ईयरली निकालते हो, तो अगर आप बिगनिंग में निकालते हो तो कितना आ जाएगा आपका, 9 मंथ। अगर आप मिड में निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 6 मंथ। और अगर आप एंड में निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 3 मंथ। तो ये आपने कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पर ए बी क्या थे, पार्टनर थे, और दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल शेयर प्रॉफिट बांट रहे हैं। ए बी दो पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, रेगुलरली ड्रॉइंग कर रहे हैं, कितनी, 4,000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ के लिए। तो भाई अगर आप बात करो, आप कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, तो डिवाइड कर दो, 1, ये 2, ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, बिगिनिंग में निकाल रहे हो 6 मंथ के लिए, ठीक है ना। 31st जो सितंबर है वो इसके लिए एंड होने वाला है। यहाँ पर क्या है, 30th सितंबर, ठीक है। कंप्यूट कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर किस्तें की बात करें तो कितनी बार निकाल रहे हो आप, 6 बार निकाल रहे हो, तो टोटल ड्रॉइंग आप कितनी करोगे, 4,000 आप एक बार निकाल रहे हो, और 6 बार निकाल लोगे 6 महीने के अंदर, तो कितना हो जाएगा, 24,000 आपकी ड्रॉइंग हो जाएगी। तो कितना लिखोगे, 24,000 इंटू रेट क्या है, 5/100 इंटू टाइम लेना है। अब टाइम कैसे सेट करोगे, फर्स्ट ड्रॉइंग कितनी है आपकी, फर्स्ट के बाद कितना टाइम बचेगा, कब निकाल रहे हो आप, बिगनिंग में निकाल रहे हो, यहाँ निकाल रहे हो, तो कितने मंथ बचेंगे, 6 मंथ बच जाएंगे। प्लस क्या करोगे, लास्ट जब ड्रॉइंग करोगे, और वो भी कब करोगे, बिगनिंग में, तो उसके बाद कितना बचेगा, 1 मंथ बचेगा। डिवाइड किससे करोगे, 2 से, तो 6 + 1 = 7, 7 को अगर डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 3.5 मंथ। तो ले लेते हैं 3.5, ठीक है ना। और डिवाइड किससे कर देते हैं, टोटल 12 मंथ से। तो अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, 224, 12 एकम 12, और 12 को 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो अगर हम 20 की बात करें, 20 को 5 से करेंगे 100, और 100 को अगर 35 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 100 की अगर मल्टीप्लीकेशन किससे करते हैं, 3.5 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 350 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ये क्या है, लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया, तो इसको करंट अकाउंट के अंदर डील करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट कौन निकाल रहे हैं, ए निकाल रहा है, तो ए से ही करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग ठीक है ना, किससे लेंगे, ये ए से लेंगे, कितना लेंगे 350 रुपये, और ये कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर ठीक है ना, ये ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, किसमें, ए में और बी में, इक्वल रेशियो में। 350 को अगर हाफ करोगे आप तो कितना आएगा, 175, 175, 175, और ये कितना आ जाएगा 350, यहाँ क्या दिखा दोगे आप 350, और यहाँ भी क्या दिखा दोगे 350। अगर हम बात करें पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर डील करेंगे ना कि कैपिटल अकाउंट में, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका करंट अकाउंट के अंदर चला जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज की है तो क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है ना, किससे चार्ज की है, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, ए से चार्ज की है आपने ये ड्रॉइंग, कितनी की है 350, बी से चार्ज नहीं की है, और बाय क्या किया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट बांट दिया 175 और 175, तो यहाँ क्या आ जाएगा 175, यहाँ क्या है अमाउंट कौन सा है 175, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 350, यहाँ क्या आ जाएगा 350 ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 175 बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, और यहाँ क्या आ जाएगा 175 टू बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, तो इस प्रकार से हमने कंसीडर करना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।